हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। तो मैंने अपना ब्लॉग स्टार्ट कर दिया, और वैसे तो मैं सुबह से ही स्टार्ट करती हूँ, क्योंकि अगर दिन भर मैं ना करूँ तो फिर मुझे शाम तक कोई कुछ लगता ही नहीं है कि कोई वीडियो बनाने के लिए कुछ है। तो मैं जहाँ तक कोशिश करती हूँ मॉर्निंग से ही अपना ब्लॉग स्टार्ट कर देती हूँ। और अभी मेरी तबीयत ठीक नहीं है, थोड़ी वही है जुकाम और फीवर, उसी वजह से। तो खैर, वीडियो तो अगर ना बनाओ एक दिन ना, तो फिर बाद में मन भी नहीं होता है और एक दिन गैप हो जाए। वैसे भी कितना भी अच्छे से वीडियो बना लो, अच्छा तो जा नहीं रहा है। तो फिर मैंने सोचा चलो स्टार्ट ही कर देती हूँ। और काम तो मुझे बहुत है, और रोज़ सोचती हूँ आज करूँगी कल करूँगी। सच में आलस बहुत बड़ी चीज़ होती है, बहुत। अगर ये आलस आप कर लिए तो कोई काम नहीं हो पाता है, बहुत काम है। और ठंडी भी बहुत बढ़ गई है, आज मुझे ठंडी भी बहुत लग रही है। मैंने खिड़की दरवाजे चारों तरफ से मैंने बंद कर दिए हैं, और हवा भी चल रही है। वैसे अब नवंबर आ गया तो ठंडी तो आ ही गई, पूरी ठंडी हो आ गई। लेकिन कभी कभी ऐसा हो रहा है ना, किसी किसी दिन बहुत गर्मी होने लग रही है दिन में, तो वही जब सर गर्म होता है ना, कभी ठंडी कभी गर्मी, तो फिर वही तबीयत खराब होने लगता है। और चलिए, अभी मैंने नाश्ता वास्ता कुछ नहीं किया है, तो चलती हूँ अपने लिए बनाऊंगी थोड़ा सा काढ़ा। और बाबू को भी मेरी कल बहुत खांसी आ रही थी, तो मैं क्या की ना, ये वो दवा लाने के लिए बोल रहे थे सिरप, लेकिन मैं मना कर दी, क्योंकि जो होता है ना वो अदरक का जूस, उसका रस निकाल के कद्दूकस करके और उसका रस निकाल लीजिए। इस समय तो बहुत अच्छे से मतलब अदरक आ रहा है कि इतना रस होता है उसमें, बहुत ज़्यादा निकल भी जाता है, और शहद मिला के, तो वही मैं पिलाती हूँ, तो बहुत आराम मिलता है इससे। तो खांसी उसका आराम, मैंने तो कल इतना आ रहा था ना, कल स्कूल जाने के मतलब मैं सोची नहीं भेजूँ, और उसका मन भी था, एग्जाम था कल, टेस्ट चल रहा है ना सेकेंड, तो कल लास्ट डेट था, कल लास्ट दिन था। और बोल रही तो अजीब सा हो रहा है, तो फिर मैं बोली कि मत जाओ, लेकिन बच्चे हैं ना, ये होता है कि जब डेली इन लोग का वो जाते हैं तो जाते ही हैं, अगर नहीं मानोगा तो नहीं जाएंगे। तो नहीं माना, वो चला गया। तो मैं क्या कि स्कूल जाने से पहले उसको 3 बार, मतलब आधे घंटे के अंदर 3 बार मैंने उसको अदरक का जूस निकाल के और वो शहद मिला के पिला दिया था, बना के मैं रखी रहती हूँ। तो उसको खांसी में बहुत आराम हुआ, सुबह खांसते खांसते ना 2 बार उसको पलटी भी हो गई थी। तो यही है, आज थोड़ा आराम था, रात को भी थोड़ी बहुत खांसी उसको आई थी, फिर स्कूल से आया तो भी मैंने पिला दिया। तो सच में बहुत आराम मिलता है, बहुत फायदा होता है, मैंने दवा नहीं मंगाया और उसी से बहुत आराम है। तो फिर आज स्कूल गए, तो चलिए हम मैं अपना काम कर लेती हूँ, खाना खा लेती हूँ, काम तो हो गया है, नाश्ता कर लेती हूँ। और अभी ना ठंडी लग रही है, तो सोच रही हूँ आज कपड़े भी निकालती हूँ, कपड़े प्रेस करने हैं, बहुत काम है। लेकिन वही है, आलस करो तो कोई काम नहीं हो पाता है। अगर लग जाओ ना थोड़ा सा भी, अगर आलस हो गया कि चलो अभी नहीं कल, आज नहीं कल, तो फिर मन नहीं होता है फिर करने का। और सोच रही हूँ आज पूरा काम खत्म कर लूँ, देखती हूँ, अभी तबीयत भी कुछ सही नहीं लग रही है, लेकिन फिर अभी ना आलस करूँगी तो फिर नहीं हो पाएगा, कल फिर संडे हो जाएगा। और बच्चों के भी स्वेटर वगैरह निकालना है, क्योंकि मॉर्निंग में स्कूल होती है तो ठंडी भी अब लगने लगी है। और चलिए काढ़े बना थोड़ा पी लेती हूँ, तो काढ़ा पीने से थोड़ा आराम भी मिलता है मुझे, तो कर लेती हूँ। उसके बाद देखती हूँ क्या करती हूँ क्या नहीं, कुछ हो पाता है या नहीं। एक तो दिन भी छोटा आ रहा है ना, बच्चे जब आ जाते हैं उसके बाद से टाइम कब निकल जाता है पता भी नहीं चलता है। इंतजार करते करते 1:30 बजे आते हैं, कभी 1:30 बजे, 1:45 बजे, और आने के बाद खाना पीना, दो बर्तन उर्तन हर काम करने में शाम हो जाती है, पता भी नहीं चल रहा है। तो चलिए कर लेती हूँ, खा लेती हूँ, पी लेती हूँ, जो भी काम है मेरा, उसके बाद देखती हूँ, आप लोगों से मिलती हूँ। और प्लीज़ मुझे सपोर्ट करिए, क्योंकि और यहाँ पे आप लोगों से बातें करने के बाद ना, फिर मैं आ गई थी बालकनी में, तो बाहर का क्लिप मैंने थोड़ा सा ले लिया, वही मैं दिखा रही थी ना। धूप भी अच्छा हो रखा है और सन्नाटा एकदम से था, और ये कड़ी पत्ता आप लोग देख सकते हैं, बहुत अच्छा हुआ था, तो इतना यूज भी हो चुका है। और मेरे यहाँ ज़्यादा ही यूज होता है, जब कुछ भी मैं या तो पोहा बनाऊँ चाहे कुछ भी, तो ये बोलते हैं ना ज़्यादा डालो तो फिर वही। और यहाँ पर मैं ले लूँगी तुलसी जी, थोड़ा सा पत्ते तोड़ लूँगी, और पत्ते मैं नहीं तोड़ूंगी, जो ऊपर से होता है ना, ये होता है ना कि ऊपर से ऐसे तोड़िए तो फिर ना ये जो फल उसमें फल आ गया है ये नहीं आता है, तो ऐसे तोड़ लूँगी थोड़ा सा। और इसके बाद से मैं बनाऊँगी काढ़ा, चलूँगी तो। और ये तुलसी माता ना अलग से वैसे ही मैंने लगा दिया था, अच्छा लगता है, हरा भरा रहता है, तो और बरसात के मौसम में ना बहुत हरी भरी हो जाती हैं तो अच्छी भी लगती हैं। और जो तुलसी माता जिनकी मैं पूजा करती हूँ तो वो बगल में है, तो उसमें से मैं नहीं तोड़ती हूँ, और वैसे जब नहीं रहता है तो कोई बात नहीं, लेकिन है तुलसी माता है कई, तो मैं उसी में से ले रही हूँ, उन्हीं में से ले लेती हूँ। और यहाँ मैंने पत्ते तोड़ लिए हैं, तो यहाँ पे देख सकते हैं मैं बना रही हूँ काढ़ा चाय, मतलब जो भी है। और उसमें मैंने धुल के तुलसी पत्ते जो मैंने लेके आए थे धुल के डाल दिए हैं। और ये दूध मैं दिखा रही थी ना रात को बाबू को पीने के लिए दी थी,
तो वो लड्डू खा रहा था, लड्डू खाने के चक्कर में मैं रख दी थी ऊपर टीवी के नीचे, और फिर उसके बाद से वो चला गया टॉयलेट, तो फिर भूल गया, सुबह वैसे ही पड़ा रह गया। तो अब इसको फेंकना पड़ेगा क्योंकि खुला था रात को, तो फिर हम खा नहीं सकते। और यहाँ पे मेरा नाश्ता भी लग गया है, तो चलिए नाश्ता कर लेती हूँ, उसके बाद फिर आप लोगों से मिलती हूँ। और उसके बाद से देख सकते हैं बाबू स्कूल से आ गया था, तो थोड़ी देर नाश्ता करने के बाद मैं आराम की थी, आप लोग की वीडियो आज की थी, तो फीवर में मुझे ज़्यादा हो गया था। तो मैं जब जुकाम में फीवर होता है ना, तो मैं दवा नहीं लेती हूँ, और वैसे अगर फीवर होता है तो मैं ले लेती हूँ। तो मैं सोचती हूँ ना, जुकाम की वजह से थोड़ा बहुत शरीर तो रहता ही है गर्म, तो मैंने नहीं खाया था, थोड़ा सा आराम कर लिया था। और वीडियो वॉच करते वक्त मेरे मुझे नींद भी थोड़ी आ गई थी, फिर दूध आया तो उसके बाद मेरी नींद खुली, और फिर उसके बाद से बच्चे भी आ गए। तो यहाँ पर मैं ना अदरक का जूस निकाल रही हूँ, और ऐसे ही मैं निकाल लेती हूँ कद्दू कस करके, तो देख सकते हैं कितना सारा जूस निकला है। और उसके बाद से मैं क्या करूँगी, इसमें ना शहद मिला दूँगी 2 चम्मच, 2 से 3 चम्मच, मतलब इतना आप मिलाइए ताकि बच्चों को मतलब ज़्यादा तीखा भी ना लगे और पी ले, और बहुत ज़्यादा भी नहीं, तो 2 चम्मच थोड़ा सा और मैंने डाला था इसमें, तो अच्छा अच्छा था। बच्चे मतलब पी भी लेते हैं, बाबू मेरा पी लेता है, तो यहाँ देख सकते हैं ऐसे हो गया है, बन गया है। तो अब इनको दे दूँगी 1-1 चम्मच। और आज जब मैं वीडियो एडिट कर रही थी तो इसका खांसी बिल्कुल ही आराम है, बिल्कुल भी इसको खांसी नहीं आ रही है इसी से। और ये रात का है, मतलब शाम का। यहाँ मैं दाल बना रही थी, तो मैं क्या बना रही हूँ, दाल और लिट्टी और चोखा। ये मेरे घर ना सबको बहुत पसंद है, और सबका बहुत मन था। ये ना गोल वाला बैंगन फिर से ला दिए थे, इनको मन था खाने का। और इस दाल में मैंने लहसुन मिर्चा और अचार का जो मिर्चा है वो, अदरक कूट के, ये सब मैंने डाला है। तो यही वाला दाल लिट्टी के साथ मैं बनाती हूँ, और ये मैं बैगन दिखा रही थी, तो इसी के ना चोखा जो बनता है इसी का भी अच्छा लगता है, तो वही मैं फ्रिज में से यहाँ पे निकाल रही हूँ। और चलूँगी अब इसको किचन में लेके, तो इसको भूनूंगी, उसके बाद से बनेगा। और दोनों मैं भूनूंगी क्योंकि चोखा मेरे यहाँ ज़्यादा ही चाहिए होता है, और मैं बासी भी खाती हूँ, मतलब अगले दिन मॉर्निंग में। और ये दाल बन गई है, तो आप लोग देख सकते हैं, और इसकी दाल थोड़ी गाढ़ी रहती है तभी अच्छी भी लगती है। और इस तरीके से मैं पूरी तरह नहीं गलाती हूँ, पूरी तरह गल जाता है तो अच्छा भी नहीं लगता है, और किसी को मतलब बाबू को खास तौर पे उसको नहीं पसंद है, मुझे भी नहीं अच्छा लगता है ज़्यादा गल जाता है। तो और आज मैं कुछ अलग तरीके से बना रही हूँ लिट्टी, तो पहले मैं बनाई थी तो सीटी निकाल दी थी, तो वो बहुत टाइम भी लगा था, और मैं आज बनाई हूँ ना तो सीटी लगा के, तो देख सकते हैं कितना अच्छे से हुआ है, और ये पूरा हो गया है। लेकिन एक बार इसको मैं और बंद करूँगी क्योंकि मुझे थोड़ा ना जला हुआ थोड़ा कड़ा अच्छा लगता है, लेकिन फिर भी नहीं हुआ था, बहुत सॉफ्ट हुआ था, बहुत जल्दी बन जाता है सीटी लगा के बनाइए तो। और यहाँ पे देख सकते हैं मेरा खाना मतलब बन गया है, और हम लोग सब खाने बैठ गए हैं, तो यहाँ पे लिट्टी देख सकते हैं कैसे एकदम से फट जाती है। और ये सत्तू वाली लिट्टी नहीं है, ये सादी लिट्टी है, तो दाल के साथ मेरे यहाँ सादी लिट्टी ही बनती है, और ये सादी लिट्टी अच्छी भी लगती है। तो चलिए हम लोग खाना खा लेते हैं, तो फिर मैं आप लोगों से कल मिलती हूँ एक अच्छी सी वीडियो के साथ। तो बाय।